फर्जी मार्कशीट बनाने वाले मास्टरमाइंड राजू सिंह अंद्रू मंडोरिया, प्रधान अध्यापक सुरेन सिंह चौहान और मोनिका मंडोरिया के विरुद्ध शिकायतकर्ता द्वारा झाबुआ कलेक्टर सुश्री तन्वी हुड्डा को लिखित शिकायत आवेदन समक्ष में देने के बाद भी आज तक जिला प्रशासन के द्वारा कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की गई है। शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत आवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि मोनिका मंडोरिया के द्वारा वर्ष 1994-95 में प्राथमिक विद्यालय पिपलिया से कक्षा 5वीं में रोल नंबर 25 एवं स्कॉलर नंबर 754 के अनुसार कक्षा 5वीं की परीक्षा देकर उत्तीर्ण की गई थी। ओरिजिनल स्कूल रिकॉर्ड अनुसार 800 पूर्णांक में से 370 प्राप्तांक मोनिका मंडोरिया को प्राप्त हुए थे, जो कि स्कूल रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्शाए गए हैं, जबकि डुप्लीकेट अंक सूची राजू पिता अंद्रू मंडोरिया के द्वारा स्वयं अपने हाथों से तैयार कर 500 प्राप्तांक में से 440 पूर्णांक बताए गए होकर 88% अंक बताकर प्रधान अध्यापक सुरेंद्र सिंह चौहान के हस्ताक्षर से मिली भगत कर फर्जी मार्कशीट प्राप्त कर राजू मंडोरिया कमर्शियल अधिकारी वाणिज्य कर विभाग रतलाम डिवीजन द्वारा अपने प्रशासनिक लोक सेवक पद का दुरुपयोग करते हुए राजू मंडोरिया की बहन मोनिका मंडोरिया को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिला एवं बाल विकास विभाग राणापुर जिला झाबुआ में गलत तरीके से नौकरी पर नियुक्ति दिलाई गई है। झाबुआ से अल्बर्ट मंडोरिया की रिपोर्ट। आपने दूसरी अंक सूची कहाँ से बनाई थी? पिपलिया स्कूल से। आपने आवेदन किया था क्या? मैंने आवेदन किया था, चौहान सर ने बनवा के दिया था रिजल्ट, चौहान सर ने रिजल्ट बनवा के दिया, सही गलत मेरे को नहीं मालूम। अच्छा, उसमें जो आंकड़े चढ़ाए गए उसकी जानकारी अपने को नहीं मालूम? मेरे को नहीं मालूम उसके बारे में। कौन? सुरेंद्र चौहान सर ने बना के दिया था। सुरेंद्र कौन गए थे? आप खुद गए थे? मैं खुद गई थी रिजल्ट बनवाने के लिए। सुरेंद्र सर ने आपके सामने साइन किया? मेरे सामने साइन किया। अच्छा, अब ये फर्जी मार्कशीट का मामला उठा तो इसका कौन निष्कर्ष निकाल सकता? मतलब सुरेंद्र चौहान सर ही बता सकते किसका साइन है और किसने ये आंकड़े चढ़ाए? सर ही बता सकते, चौहान सर। क्या नाम है आपका? मोनिका। क्या शुभ नाम है सर आपका? सुरेंद्र सिंह चौहान। कहाँ पर पदस्थ हैं आप? पिपलिया में। किस पद पर? सहायक शिक्षक। अच्छा, ये जो राजू मंडोरिया ने जो उनकी बहन मोनिका का जो मार्कशीट बनवाया, उस संबंध में बताइए कैसे मतलब साइन लिया आपसे उनने? वो पूरी तरह से धोखाधड़ी वाला मामला है सर, कि उन्होंने धोखाधड़ी से मेरे से साइन करवा ली। वो बहुत पुरानी बात भी है, तो उन्होंने कुछ ऐसा धोखाधड़ी की है, वो क्लियर तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ उसमें ऐसा पेच है कि वो उन्होंने धोखाधड़ी से मेरे से साइन करवाया। अच्छा, ये जो मार्कशीट में साइन है ये आपकी है? साइन देख, एक नज़र देखने पे तो ऐसा ही लगता है सर कि मेरी साइन है। ये जब साइन लेने आए थे मार्कशीट पे, उस वक्त कौन कौन थे? इनकी बहन वगैरह साथ में थे? कोई भी नहीं था, ये अकेले थे। क्या नाम है उनका पूरा? राजू? राजू मंडोरिया। क्या बताया उस टाइम उन्होंने कुछ नौकरी पे बड़ा अधिकारी ऐसा कुछ परिचय दिया? थोड़ा सा दबाव भी डाला, राजनीतिक टाइप हरकतें करी उन्होंने, थोड़ा दबाव भी मेरे ऊपर डाला, तो थोड़ा सा मेरे को माइंड से ऐसा हुआ, तो हो सकता मेरे से ऐसे साइन हो गई उस पर, और बाद में मेरे को भी लगा। अब आप क्या चाहते हैं कि जो जिन्होंने धोखाधड़ी की उन पे वैधानिक कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि आपकी कोई गलती है नहीं? अब ये मैं क्या कह सकता हूँ, बाकी ये है कि मैं बिल्कुल साफ हूँ इसमें, मैंने कोई ऐसा किसी प्रकार का कोई लालच से या किसी पैसे की लालच से कोई कुछ भी नहीं किया, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। अभी तक आपको किसी प्रकार का कोई इस शिकायत के संबंध में कोई जानकारी या नोटिस वगैरह किसी ने दिया? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं मिला। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।